हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। अपने वचन का पालन करना उनका सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान, इनका बाण निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ी दया दिखा रहे हो श्री राम, एक बात का उत्तर तो दो। लड़ाई तो हम दो भाइयों में थी, ऐसे समय में छुपकर मेरा वध करना यही आदर्श है आप आर्यों का? मुझे मारकर अपने पुरुषों की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे? मेरा आपका तो कोई वैर नहीं था राम, फिर किस कारण ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया? मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। अपने वचन का पालन करना उनका सबसे बड़ा धर्म है तथा उसके लिए उन्हें निंदा का पात्र बनना भी स्वीकार है। राम, सुग्रीव से मित्रता करने में रावण द्वारा हरण की गई अपनी स्त्री के उद्धार का तुम्हारा स्वार्थ नहीं छुपा है, किंतु ये प्राणों के भय से पहाड़ों की खो में मुंह छुपाए पड़ा रहने वाला ये कायर क्या तुम्हारी सहायता करेगा? बोलो, इसके लिए तुम किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते मैं अब तक उस दुरात्मा को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल चुका होता। सीता को उसने सागर की अतल गहराइयों में, आकाश में या पाताल में कहीं पर भी छुपा रखा हो, मैं सीता माता को तुम्हारे हवाले कर देता। जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक तुमने बाली का वध किया है, उस अनीति को तुम इतिहास की दृष्टि में कभी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे। जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, इसलिए मुझे मरने का शोक नहीं है। मेरे बाद सुग्रीव को राज्य मिलेगा, वो भी अनुचित नहीं है। अनुचित इतना ही है कि तुमने मुझे रणभूमि में मेरे साथ वीरों की भांति युद्ध करके मुझे नहीं मारा, मुझे अधर्म पूर्वक मारा है तुमने। तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा राम, कभी नहीं होगा। वानर राज, आज मरणोन्मुख अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार तुमने सपने में भी नहीं किया। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। आचार्यों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। मेरी निंदा करते समय तुम मुझे एक अभूत बालक के समान दिखाई दे रहे हो। तुम स्वयं चपल हो और चंचल चित्त वाले
अजितात्मा वानर तुम्हारे मंत्री हैं। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंत्री तुम्हें परामर्श देते हैं। फिर तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपरिमित बल के मद में चूर होकर तुमने तो सामान्य लौकिक आचार व्यवहार का विचार भी कभी नहीं किया। बड़ा भाई, पिता तथा गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं। पुत्र की वधु, अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है। परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी वानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी हमें क्षवाकु वंश के राजाओं की है। इस समय क्षवाकु वंश के राजा भरत है। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र क्षवाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहां के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अतः हम सब उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म में स्थिर रहकर तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। वाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, उसे समझना बहुत कठिन है। इतना समझ लो कि यदि राजा पापी को दंड दे तो पापी उस दंड को भोगकर निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। मनु स्मृति में मनु महाराज ने भी यही कहा है, राजभि कृत दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गम आयान्ति संतः सुकृतिनो पथा शासनाद वापि मोक्षाद वा इस्तेना पापात प्रमुच्यते राजात्तु शासन पापस्य तद्वापनोति किल्बिषम। हे वानर राज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा। दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टा, दंभ और अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मेरी आत्मा के अंतर चक्षु खुल रहे हैं। मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। आपके अमोद बाण की पीड़ा के प्रमाद में, अज्ञान के आवेश में मेरे मुख से आपके प्रति अनुचित वाक्य निकल गए हैं, उसके लिए क्षमा करें प्रभु। आप तो परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता है और मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूं। हे कृपा सिंधु, मेरा अंत मुझे अचेत कर देने वाला है, उससे पहले अपनी चरण रज देखकर मुझे प्रायश्चित कर लेने दीजिए प्रभु। प्रभु, 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 प्रभु। हे वानर राज, प्रायश्चित तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनु ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाता है। सो हे राजन, तुम अब निष्पाप हो, इसलिए अधीर ना हो, अपने मन से मृत्यु का भय संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके
तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रभु अब रक्षा किस लिए, जीवन तो बार बार मिल जाएगा परंतु फिर इन हाथों से मरण पाकर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। हे राम ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी प्रभु, फिर नहीं मिलेगी।